बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। आज ये जो सेशन देख रहे हैं, आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, आज हमारे साथ है शैलेश भाई राधड़िया जी। एंड भैया के बारे में बताओ, जो उनका लास्ट सेशन हुआ था, जो था, ये सेशन सुन के आपका आलस भाग जाएगा। इतना जबरदस्त उसका इम्पैक्ट हुआ, विद इन 1.5 डेज वो 1,000 लोगों ने देख लिया, और अभी तो वो उसको कंटिन्यूअस लोग देखे जा रहे हैं। एंड आज वो हमारे साथ है। आज का टॉपिक भी धमाकेदार है, वो है कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे सक्सेस का बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड आज ये सेशन स्टार्ट करें शैलेश भैया, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं कि पिछले 1.5 साल से ये जो क्रम है वो निरंतर चले जा रहा है। एंड इसका यही पर्पस है, जो भी जहां पे भी ये बैठ के ये सेशन देख रहा हो, उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान होनी चाहिए, उसका जीवन एक उत्सव बन जाना चाहिए, यहीं तक ना रुके, वो एक वॉलेंटियर बने। और जिसके भी चेहरे मुरझाए हुए है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके चेहरे पे खुशियां लेके आए, उसके जीवन को खुशियों से बेशुमार भर दे, उसको इस बात पे लेके आए। एंड जो भी समाज में वायलेंस है, स्ट्रेस है, उसे मिटाए। गुरुदेव का विजन है ये, सबके चेहरे पे मुस्कान हो। गुरुदेव के विजन को हमने पकड़ लिया है, उसे अपना विजन बनाया है। 9:10 में एक ही नारा रोज इस चैनल से लगता है, गुरुदेव विजन आवर विजन। एंड भैया आपको भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मैं ग्रुप के आगे, तो शैलेश भैया के बारे में बताने जाऊं तो आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की, एंड ही इज अ बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन। 1999 से सेवा में जुड़े हुए हैं। DSN, VTP, सहज, श्री श्री योगा लेवल 2, YLTP, कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स, हैप्पीनेस प्रोग्राम, इतने सारे कोर्सेज लेते हैं। करीब 10 लाख लोगों को भैया ने इंस्पायर किया है गुरुदेव के नॉलेज को स्प्रेड करके। एंड 2001 में करीब 7,000 लोगों को सुदर्शन क्रिया सिखाया, से अवगत कराया, सिखाया सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर। बहुत ही गुरुदेव से क्लोज है एंड उनके सेशन के लिए तो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि मींस बता नहीं सकते। एंड भैया आज जो हम विषय जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है कॉन्फिडेंस। तो भैया ये कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए खुद के अंदर? यस भैया, ओवर टू यू। हाँ भैया प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो जय गुरुदेव। बाकी के सबके वीडियो है क्या? यस यस भैया सबके हैं। हेलो। हाँ भैया वो लोग थोड़ा सा शायद लो कॉन्फिडेंस में है तो ऑन नहीं कर पा रहे। देखो, कॉन्फिडेंस है ना, ज्ञान से आता है, समझ से आता है और अनुभव से आता है। जब तक आप वो करो नहीं, तब तक आप उसके ऊपर जा नहीं सकते। मान लो रसोई बनाना है, तो एक बार बना दी, पहले डर लगता है, उसके बाद हमारा वो डर खत्म होता है। कॉन्फिडेंस का अपोजिट यही है, डर। अब डर को कैसे खत्म करें? मेन चीज, ये डर आता कहां से? अगर एक बार इस डर के ऊपर चले गए ना, तो फिर जीत ही जीत होती है। कॉन्फिडेंस गिरने के बहुत कारण है। एक, हमारा मन हमें एक असत्य की ओर ले जाता है, जो शाश्वत चेतना है ना, उसकी जगह पे, और माया में फंसा देता है। और फिर लालच हमारे अंदर पेट में घुस जाती है, फिर हम दौड़ते रहते हैं।
जो करना होता है उसकी जगह पे अलग गति से कहीं और करने बैठ जाते हैं और फिर रोते रहते हैं, और जैसे वो फेलियर आने लगता है तो फिर वो क्या हो जाता है, हमारा डर खत्म हो जाता है। आत्मविश्वास एक सफलता का राज भी है और एक भारी भी पड़ सकता है, दोनों अलग चीज है। देखो दुर्योधन के पास आत्मविश्वास था लेकिन उन्होंने गलत जगह पे यूज किया। आत्मविश्वास वो ऐसी चीज है जो आपके ध्रुति में आ जाती है और ये धीरे धीरे अनुभव के स्तर पे ही आगे बढ़ती है। जब तक आप अनुभव नहीं करते ने और अपने डर को खत्म नहीं करते ने तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम इसको पातन योग सूत्र के साथ जोड़े तो मन के मॉड्यूलेशन में इसको विकल्प कहते हैं। कल्प माने ब्रह्मांड, विकल्प माने ब्रह्मांड में जाने की जो शक्ति है तुम्हारे अंदर, उसको वीक करने वाली, अंदर से खींचने वाली सोच। जैसे आपको कहीं सन्यासी बनना है लेकिन आपके माँ बाप आपको रोक रहे हैं, ये विकल्प आ गया। तो कहीं ना कहीं ऐसी अंदर की एक सोच है जो आपको नीचे गिरा रही है, ये आप इसको कहते हैं आपकी बुरी सोच, दैट्स ऑल नथिंग एल्स। और वो सोच भी क्या, जिसका वर्तमान में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व होता तो बात खत्म करती। फेलियर तब होता है ना जब हम फेल हो जाए, तब, उसके पहले तो नहीं होता है। और उस डर के कारण हम काम को छोड़ देते हैं और ये हमें, हमारा मन दर्द से भागने लगता है। जब दर्द से भागने लगोगे ना तो कभी जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। दो चार स्टोरी है मैं बताऊंगा। गुरुदेव का एक सेंटेंस है कि तमोगुणी का जो आत्मविश्वास है वो आपको अंधेरे की ओर ले जाएगा और सतोगुणी का आत्मविश्वास आपको अपलिफ्ट करेगा। ये फर्क है। सतोगुणी माने क्या, जिसके अंदर लविंग है, केयरिंग है, ज्ञान में रुचि है, ये सतोगुण की निशानी। तमोगुण माने क्या, निंद्रा और आलस्य से भरा हुआ, शरीर में भारीपन हो गया और पड़े रहना और हर काम को नेक्स्ट कल करेंगे, बाद में करेंगे, इसके ऊपर ढालते रहना, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, नीचे गिरा देता है। तो कहते हैं कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वो तो शॉर्टकट में भी बता सकते थे, क्यों एक 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 चीज का उसको बाय डिफॉल्ट समझ दी, एक 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 चीज की समझ दी है। कृष्ण शॉर्टकट में भी नहीं बता सकते थे कि तू कर सकता है, कर ले चल, क्यों, उन्होंने इतने सारे पॉइंट्स बताए, एक 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 चीज को रहस्य से खोला और समझाया। हमारे अंदर हर तरह की ताकत है, सोच की वजह से उस ताकत का हम उपयोग नहीं कर सकते। अभी अभी गुरु जी का वीडियो ही सोच रहे थे, हमारे माइंड का जो फ्रीक्वेंसी है ना, हमारी रडार इतनी ऑरा, इतनी पावरफुल है, पता ही नहीं है हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं, बहुत ही हमारे अंदर भरा हुआ पड़ा है, बस हमें उसको एक चैनलाइज करके उस जगह पे देना है। अभी भी देखो हम यहां बैठे हैं तो बैठे नहीं है, अंदर पीछे बहुत सारे काम कर रहे हैं। देखो अगर पीछे बहुत सारे काम कर रहे, घर के काम में व्यस्त है, यानी आपका फोकस, आपका मन बटा हुआ है, मन बटा हुआ है, चेतना बिखर गई। जब चेतना बिखर जाती है तो कोई लक्ष्य तक तुम नहीं पहुंच सकते। आपको एक विचार में आपका लक्ष्य दिखना चाहिए,
आपकी सांस में वो लक्स दिखना चाहिए, जब आप खाना खाते हो नी वाला उसमें भी वो लक्स दिखना चाहिए, आप सोने तो भी आपको वो लक्स ही दिखना चाहिए, इसको कहते हैं आत्मविश्वास। और लक्स कैसे पार पाड़ू इसके ऊपर चर्चा। प्रश्न दो तरह के आते हैं, हर व्यक्ति के सामने परिस्थिति आती है, समस्या आती है, तो एक अपने आप को प्रश्न पूछता है कि यार मेरे पास ही ऐसी क्यों समस्या आती है। और जो स्ट्रांग व्यक्ति होता है ना वो ऐसे अपने आप को पूछता है प्रश्न कि ऐसी परिस्थितियां आने लगे तो मैं कैसे उसको निपटाऊं और फ्री हो जाऊं। फर्क है दोनों में बात में? यस नो? एक रोता रहता है, एक उस समस्या को उलझाने के लिए अपने आप को प्रश्न पूछ के उसका सॉल्यूशन निकालता है। एक समस्या को झेलने के लिए रेडी है, जो रेडी है वो आत्मविश्वासी है, जो रेडी नहीं है वो डर के मारे उसको छोड़ने की बात कर रहा है। सपोज आप 25वीं मंजिल की बिल्डिंग में रहते हो, 25 मंजिल हुआ, और आप 10वीं मंजिल पे रहते हो और अचानक आपकी लिफ्ट बंद हो गई, तो आपको अब सीढ़ी चढ़ के जाना है। दो चॉइस है, आज ही लिफ्ट बंद होना था। जैसे आप एक एक वीक शब्द बोलते हो ना, एक वीक पहला शब्द, क्यों कानन जी सही बोल रहा हूं, पकड़ लिया मैंने सीधा सीधा। आप देखो एक अंदर बोलते हो आज ही लिफ्ट बंद होना था, यानी आपने क्या कर दिया, अंदर एक डर बैठा दिया, नहीं करने की जो हमारी आदतें हैं ना, आदत नहीं करने की, बस उसमें हम अपने आप को ढालते रहते हैं नीचे नीचे नीचे, इस वो हमें नीचे ले जाने वाला। फिर दूसरा, यार 10 मंजिल चढ़ना पड़ेगा, यानी अरे भाई चढ़ना पड़ेगा तो क्या मतलब है भाई, यानी कोई भी परिस्थिति आई तुम अगर आश्चर्य में लेते हो, एक साहस के रूप में लेते हो, चढ़ जाओगे आराम से, लेकिन पहले से ही तुम समस्या के रूप में लोगे तो कभी नहीं चढ़ पाओगे। आज पता है यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के जितने भी साधक हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको एक ही चीज है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। हम ये बात कर रहे थे अभिषेक से, सब लोग एक ही चीज काम करना सब चाहते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो किसकी वजह से नहीं हो पा रहा है? तुम उसको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तुम उसको कन्विंस कर रहे हो, तुम उसको कन्विक्शन के साथ बोल रहे हो, तुम उसको कनेक्ट कर रहे हो। चार में से कौन सी आइडिया आपने बताई? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शब्द अगर फालतू में जा रहे हैं, सामने वाले के ईगो को पेम्पर नहीं कर पा रहे हैं और उसको कोई बड़ा विजन नहीं दिखा पा रहा है, तो हमेशा कभी जीवन में आप सेल्स नहीं कर पाओगे कोई भी चीज। आर्ट ऑफ लिविंग छोड़ो, आप अपनी दुकान पे बैठ के दो दागिने भी बेच नहीं पाओगे। आपके अंदर खोद काम करना पड़ेगा और वो खोद काम की जो ताकत है ना, इसी को धन लक्ष्मी कहते हैं। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, इसी को धन लक्ष्मी कहते हैं और वो साधना करने से बुलंद होता है।
और सेवा करने से ताकत वाला बन जाता है और आयाम बन मिलता है उसको। मान लो हम बिजनेस कर रहे हैं, सुन लेना, सब लोग कर रहे हैं। सपोज हमने नया बिजनेस डाला, सब लोग कर रहे थे, उसको देख के हमने बिजनेस डाला, लेकिन हम बिजनेस में फेल हो रहे हैं। वो तो कमा रहा है, हम फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा बिजनेस करने का तरीका गलत है। बिजनेस खराब नहीं है, वो बिजनेस खराब नहीं है। अगर वो बिजनेस खराब होता तो वो व्यक्ति भी बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस करता। हमें तरीके बदलने की जरूरत है। हम एक ही तरीके पे एक आदत बना दी है, वही तरीके पे हम काम करते हैं और इसीलिए फेल होते जा रहे हैं और हमारा आत्मविश्वास कम होता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिजनेस बदल दो, तरीके बदलो, चेंज करो। और हर बार आपको टाइम टाइम पे हर चीज का, एक ही चीज जो आप बोलते हो ना, उस चीज को नया नया आयाम देना पड़ेगा। एक ही चीज बोलनी है लेकिन उसका तरीका चेंज करना पड़ेगा। मैं 97 से जुड़ा हूं, मुझे नहीं पता है कि आर्ट ऑफ लिविंग की टॉक मैंने 700-800 तरीके से दी होगी, अलग अलग तरीका, टाइम टाइम पे चेंज होता है। आज जो मैं बोल रहा हूं वर्तमान के परिस्थिति में, वो कल हो सकता है चेंज हो जाए, 10 दिन पहले कुछ और बोलते थे, क्योंकि ये चेतना का ज्ञान है, वो ज्ञान से ये टॉक निकलती है। और जब ज्ञान अंदर पच जाता है, जब आप कोई चीज अंदर पचा लेते हो, फिर आपको बोलने में वो इजी होता है। अभी क्या है, हमने जो साधना है उसको पचाई नहीं, हमने उस टीचरों को भी पचाया नहीं, गुरु जी को पचाया नहीं, उसकी बातों को पचाया नहीं। ऊपरी ऊपरी अगर हम करने गए तो ये नहीं चलेगा, हम फेल हो जाएंगे। और यही फेल होते हैं, एक बार फेल हो जाएंगे ना तो धीरे धीरे हम नीचे अपने आप को ऐसे क्या कहते हैं उसको, कमियां महसूस करने लगेंगे और गिरते जाएंगे, आत्मग्लानी में अंदर घुसते जाएंगे, तो फिर बात नहीं बनने वाली। यहां पे हमें इसको काट के एक फोर्स देना है, यस आई कैन, मैं ये परिस्थिति बदलने के लिए रेडी हूं, इस क्षण भी मैं मेरे में नया बदलाव लाने के लिए तैयार हूं। मैं सामने वाले को अगर इस तरह से कन्विंस नहीं कर सकता तो उस तरह से कन्विंस करने के लिए रेडी हूं। मैं हर बार चेंज, खुद में चेंज लाने के लिए रेडी हूं, नहीं कि मैं सामने वाले में चेंज लूं। मैं बहुत सारे टॉक में मैंने किया है कि हम जब व्यासपीठ पे बैठते हैं ना, व्यासपीठ पे, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फायदा हो रहा है टॉक देकर, आप टॉक सुनोगे कॉन्फिडेंस की, बिल्कुल गलत बात है। मैं टॉक दे के खुद को ही सुन रहा हूं और खुद को ही सुधार रहा हूं। हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग की व्यासपीठ पे बैठ के ऐसा सोचे कि जो सामने वाले आने वाले हैं उसका जीवन बदले, बिल्कुल नहीं। हम उस जगह पे इसीलिए बैठ रहे कि हम सुधरे, नहीं कि कोई सुधरे। तुम कोर्स में किसी को लाना चाहते हो तो तुम सुधरने के लिए उसको लाना चाहते हो, ये ट्विस्ट कर दो। उनको सुधारने के लिए लाना चाहते हो तो वो कभी नहीं आएंगे। मैं लोगों को लाने की मेहनत करूं, उसमें मैं सुधरू, मेरी कमियां मैं सुधारू, तो तुम अच्छे एक ऑर्गेनाइजर, अच्छे एक वॉलंटियर बन पाओगे। तुम ऐसा सोचोगे कि मैं 100 लोगों का जीवन बदलू, बिल्कुल नहीं। मैं मेरा जीवन बदलते हुए लोगों को इकट्ठा करूं, लोगों को मैं इकट्ठा करूं मेरा जीवन बदलने के लिए, तो ये बात बनेगी, ये आर्ट है। मैं सिखाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं इस गाड़ी पे सीखने के लिए बैठा हूं, तो ये आर्ट है। जब तुम सीखते हो ने तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, लेकिन तुम सिखाने का प्रयास करते हो ने
तो ये बात नहीं बनती है, क्योंकि पोथी पढ़ के तो हर पोपट बोल सकता है। किताब हाथ में हो तो हर व्यक्ति पढ़ा सकता है, लेकिन जिसकी जीवन ही किताब बन गई हो उसको पढ़ाने की क्या जरूरत है? वो बोलता है, लोग पढ़ लेते हैं, ये फर्क है। एक ज्ञानी बोलता है और एक पंडित बोलता है, दोनों में बहुत फर्क है। तो तुम जब तक कोई चीज को हजम नहीं कर लेते हो, तुम फील नहीं कर लेते हो, तुम बयां कैसे कर सकते हो? एक तरीका यह है कि फील किया और करा, और एक तरीका यह है कि बस लक्ष्य पे ही चिपके रहे, उसके अलावा कुछ नहीं। लक्ष्य हाथ से गया तो लस्ट बढ़ गया। लस्ट माने आपके लक्ष्य तक पहुंचाने नहीं देने वाली हर माया को लस्ट कहते हैं, वासना कहते हैं। वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती है, इमोशन के रूप में आती है। कहते हैं जिसका जैसा इमोशन वैसा उसका डिवोशन, ऐसे आती है। तो आपको क्या करना है, उस लक्ष्य तक लक्ष्य को भेदना है, और लक्ष्य को भेदने के लिए कैसा शार्पनेस चाहिए? कहते हैं लेजर शार्पनेस चाहिए, लेजर। अगर लेजर नहीं है कुछ काम नहीं होगा। एक बार महाभारत की कहानी है, उसमें जब ये पांडव और कौरव जब अपनी विद्या लेने के लिए गए थे द्रोणाचार्य के पास, तब सब द्रोणाचार्य ने एक पेड़ रखा, उसके ऊपर पक्षी रखा, सबको धनुर्विद्या के लिए बुलाते गए कि भाई। युधिष्ठिर आया, बोला तुझे क्या दिखता है? तो युधिष्ठिर ने सब वर्णन कर दिया। अपना दुर्योधन आया, उसको क्या दिखता है? तो उन्होंने भी सब वर्णन कर दिया अलग अलग तरीके से। भीम आया, भाई तुझे क्या दिखता है? तो भीम का तो अंदर अंदर क्या था? खाना। तो उसको तो पेड़ में आम ही दिखते थे। किसी को पक्षी दिखा, किसी को पत्ते दिखे, किसी को डालियां दिखी, किसी को आसपास सब कुछ दिखा, खाली एक अर्जुन ही था, उसको सिर्फ पक्षी की आंख दिखी। हमारा क्या ऐसा लेजर सार फोकस है क्या? ये आपको चेक करना पड़ेगा। तुम सेवा करने जाते हो, कॉलिंग करने बैठते हो, तो किस पर्पस से बैठते हो बताओ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाली टीचर ने दिया कि इतने कॉल करने हैं, बस वो कॉल कर लिए, बस सेवा पूरी हो? बिल्कुल नहीं, इसको सेवा नहीं कहते। मैं तो ये कहूं कि दो ही कॉल करो और दो रजिस्ट्रेशन करो, सिर्फ दो ही कॉल हो, ज्यादा भी नहीं, एक घंटे में दो ही कॉल हो, और उस व्यक्ति के साथ बात करते हो ना तो उसकी जन्म कुंडली आपके हाथ में हो जाए। उसके परिवार में कितने लोग हैं, वो कौन सा बिजनेस करते हैं, उसको कितनी हर्डल्स हैं, उसके जीवन में पूरे दिन में कितना तनाव भरा रहता है, उस तनाव से वो कैसे वो बाहर निकले, क्या आप इतना उसको कनेक्ट कर पाते हो? फिर तो आपको बोलने में देर नहीं लगेगी। मैंने आपकी लाइफ देख ली, अब लगता है मुझे कि इस लाइफ का एक जगह पे सॉल्यूशन है, अगर आप करना चाहो तो। पहले तो ऐसे ही बोलना है आप नहीं कर पाओगे, छोड़ो ना, अहंकार को ललचाओ पहले। किसी को कोर्स करवाना ना, उसका अपोजिट पे ले जाओ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। अब समझ लो, किसी को कहीं कोर्स करवाना हो तो सीधा कोर्स की बात मत करो, कभी मत करो। कोई कोर्स नहीं करेगा आज, किसको टाइम है कोर्स करने के लिए? उसको अपने खुद के साथ रहने के लिए जरा भी टाइम नहीं है। उसको तुम कोर्स करोगे, कोर्स में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। कोई बात ही मत करो कोर्स। मैं आधा घंटा टॉक देता था 300 लोग 400 लोगों में,
एक भी बार बोलता नहीं था कि आर्ट ऑफ लिविंग में ये सुदर्शन क्रिया कराते हैं, ये कराते हैं, उससे ये फायदा होता है, वो फायदा होता है, ये फायदा होता है। मैं तो उसकी दुखती रस पकड़ता था और उसके ऊपर ही टॉक देता था। फिर वो लास्ट में बोलते थे इसका उपाय क्या करें, तब जाके मैं बोलता था, उपाय पूछा फिर मैं बोलता था ये करोगे तो फायदा होगा, ये करना पड़ेगा, कितने लोग रेडी हो, तब जाके ये होता है। मैं आज भी सहज समाधि की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि मैंने जब सहज समाधि किया था, सोचो कितना प्रीसियस कोर्स होगा, मैंने 98 में 22,000 रुपया खर्चे थे सहज समाधि के लिए। आपको 2,000 में मिलती है इतनी प्रीमियम चीज, बोलो। हाँ भाई, 22,000 मैंने खर्च किए थे क्योंकि उस टाइम पे एक हैप्पीनेस कंपलसरी था और एडवांस दो कंपलसरी था और वो बेंगलोर जाके ही करने थे, तो सारा आप टोटल मिला लो उतने ही होते हैं और बेंगलोर जाके ही आपको सहज समाधि मिलता, वो भी तुरंत नहीं, टीसी के दौरान मिलता था। कितना प्रीमियम चीज आपको ऐसे मिलती है, आप ऐसे ही बोल दोगे 2,000 का कोर्स है तो कोई नहीं आएगा। एक स्वरूप बनाना पड़ता है। तो आज मैंने दो तीन चीजें, दो तीन स्टोरी बताऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। एक श्याम करके लड़का था, एक वकील के यहां जॉब कर रहा था, खुश था बहुत। एक दिन उन्होंने अपने ही बॉस को एक टेलीफोन बूथ से फोन किया कि आपके यहां कोई अकाउंटेंट की जरूरत है क्या, आपके आप इतने बड़े लॉयर हो, आपके यहां अकाउंटेंट तो होंगे ही होंगे। तो वो वकील ने सामने से बोला, मेरे को अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, मैं उस अकाउंटेंट से खुश हूं। तो ये श्याम ने ये बोला कि आप जो अकाउंटेंट को जो देते हो ना, उससे मुझे कम पैसा देना, आप मुझे रख लो। तो भी वकील ने मना कर दिया। तो टेलीफोन बूथ वाला उसको पूछ रहा था कि भाई तू क्यों कम पैसे में नौकरी करना चाहता है, कम पैसे में नौकरी करना चाहता, तू मेरे यहां नौकरी पे आ जा। तो श्याम ने क्या उत्तर दिया पता है? श्याम ने ये बोला कि मैं जहां जॉब कर रहा था ना, वही मैंने मेरे बॉस को ही फोन किया था करने के लिए, तो वकील मेरे काम से कितना खुश है। समझ रहे हो बात? मैं ये चेक कर रहा था कि मैं जो अपना भैया अभी आएंगे थोड़ी देर में तो यस हाँ अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, यस भैया अभी हाँ। तो श्याम ने वही अपना काम क्या सही ढंग से कर रहा हूं क्या? आप कुछ कर रहे हो, कुछ सेवा कर रहे हो, क्या आपने रीचेक करवाया आपके टीचर से, आपके जिन्होंने आपको काम दिया उनसे कि भाई मैं जो जो टॉक दे रहा हूं वो सही है क्या? आपने ही अपना नाम बदल के, अपना फोन बदल के, आपके टीचर को ही जिन्होंने आपके आपको काम दिया है उनको फोन किया क्या एनरोलमेंट के लिए? नहीं किया कभी।
आप उनको करते तो आपको कुछ सीखने को मिलता। भगवद गीता का 18वें अध्याय में 47 के श्लोक में कृष्ण ने बताया है कि अपने स्वधर्म चाहे ठीक से ना भी कर पाओ लेकिन पराये स्वधर्म से तो वो ठीक है। जो आपका स्वधर्म है ना उसके ऊपर आत्मविश्वास पाने के लिए पहला स्टेप से कि आप अपनी ड्यूटी खुद अच्छे से कीजिए। दूसरों को देख के व्यर्थ की सोच में बिल्कुल न पड़े। दूसरा क्या करता है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या करता हूं उसी से के साथ लेना देना। आपकी प्रतिस्पर्धा दूसरे के साथ नहीं है, खुद के साथ ही है, समझ लेना। हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रतिस्पर्धा किसके साथ करते हैं, औरों के साथ करते हैं, औरों के साथ करते हैं, इसीलिए हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। आपकी प्रतिस्पर्धा खुद के साथ होनी चाहिए। कल मैंने इतना किया था, आज लाओ मैं उससे 2 गुना ज्यादा करूं। कल मैंने 2 गुना ज्यादा किया था, परसों में 3 गुना ज्यादा करूं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट्स में सिखाते हैं, बार बार सिखाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू पावर। क्या आप 8 घंटे में 8 काम करने के लिए सक्षम हो तो 1 काम करने की ज्यादा जिम्मेदारी लो, तो धीरे धीरे 8 काम 8 घंटे में आप 9 काम करोगे। 9 काम में सक्षम हो गए तो 10वां काम उठाओ, 10वें काम में सक्षम हुए 11वां काम उठाओ, 11वें काम में सत्संग हुए 12वां काम उठाओ। घंटा 8 ही रहने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बढ़ाओ, रिस्पॉन्ड इन एबिलिटी। आपके अंदर जो एबिलिटी है, काबिलियत है, उसको आपको बढ़ानी है। प्रतिस्पर्धा आपको अंदर की यात्रा से करनी है, बाहर दूसरों को देखने का ये ध्यान रखो। अब 6 महीना ये मेरे सूत्र पे चलो, 6 महीने के बाद आप मुझे मिलना, आप 8 घंटे में 50 काम करते होंगे। मैं गुरुजी का एक ही लक्ष्य पे चलता हूँ और कुछ नहीं। मेरा भी मेरा दिन मॉर्निंग में सुबह 5 बजे 3:30 बजे 4 बजे कभी भी स्टार्ट हो सकता है और रात को 11-12 बजे ही खत्म होता है, और सुबह से लेकर शाम तक वर्किंग ही रहता है। मुझे कुछ अपने खुद से मनोरंजन से मिलता ही नहीं टाइम। लोगों को तो टीवी देखने का टाइम मिलता है, सही में। आप फ्री बैठते हो तो क्या करते हो, इंद्रियों जनित सुख के पीछे भागते हो। इंद्रिय जनित सुख के पीछे भागना, इसको कहते हैं मनोरंजन। और वो मनोरंजन बार आदत लग गई तो वो दुख का कारण भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं ऐसा काम करूं जो मेरे मन को साफ करे उस टाइम पे, इसको कहते हैं मनोमंजन। मैं साधना करूं, चलो साधना में दिल नहीं लगता है तो मैं सेवा करूं, जो जो मुझे ना मन में अंदर से ना हिचकिचाट आ रही कि ये करने से मुझे डर लग रहा है, वही काम पहले करना है और खत्म करना है डर को। हम लोग क्या करते, उसी काम के ऐसे ऐसे इकट्ठे करते हुए एक शोकेस बनाया हुआ है अंदर अंदर, बड़ा शोकेस बनाया है। ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है, ये कोई बोले तो नहीं, रेजिस्टेंस पूरा, तो आप ओवरकम नहीं कर पाओ। तो अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करके आप अपना अपमान मत करो और अपनी प्रतिस्पर्धा खुद के साथ करो। ये नंबर 1। क्लियर हो गया? यस नो? फिर आप सत्य के मार्ग पे नहीं चलते हो ना तो भी आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। एक मजदूर था, उसको हर बाजार में एक थैला मिला और थैले में 25 सिक्के थे। तो
पीछे से कहीं आवाज आई कि मेरी थैली खो गई है, किसी को मिले तो दो, उसको मैं इनाम दूंगा। एक सेठ ने आवाज दिया, मजदूर तो ईमानदार था, उन्होंने बोला सेठ जी मुझे ये मिला है देखिए। तो सेठ जी ने चेक किया और सेठ जी की दानत बिगड़ गई। अब इनाम देने की बात की थी, अब मजदूर ने तो इनाम मांगा, बोले मुझे दो दिन से खाना नहीं मिला है और काम भी नहीं मिला है, बेकार हूं, तो आप मुझे इनाम दीजिए। तो सेठ जी ने क्या किया, खुद को सामने वाले को दोषी ठहराने के लिए उन्होंने सिक्के गिने, तो बोले मैंने तो 50 रखे थे, अभी तो 25 है, तूने 25 ले लिए, तूने इसमें 25 चोरी कर दिए, मैं राजा को बताऊंगा अगर तू मेरे पीछे पड़ गया तो। उतनी देर में सिपाही वहां पे खड़ा था और उन्होंने सुन लिया, तो सिपाही ने बोला चलो इसका उत्तर तो राजा ही देंगे, राजा के पास। और अब सेठ घबरा रहा था, क्यों, उसकी चेतना में डर क्यों था, क्योंकि वो झूठा था। और वो मजदूर बोले चलो राजा के पास, क्योंकि वो आत्मविश्वासी इसीलिए था कि वो सच का साथ दे रहा था। हम कब कई बार सच का साथ नहीं दे पा रहे, झूठ का साथ देते हैं, इसीलिए नीचे गिर जाते हैं, और बहुत बार देते हैं, जो नए काम की चीज है उसका साथ देते हैं। मैं वही साथ बता रहा हूं, एक तरफ सत्संग और एक तरफ किसी की शादी है, तो हम सत्संग को छोड़ देते, शादी को पहले कर देते, यस नो, झूठ का सहारा पहले लेते हैं, सच का सहारा बाद में लेते हैं, इसीलिए हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। मेरे घर में जितनी बार मेहमान आया है, सत्संग के टाइम पे आया है, तो मैं मेहमान को बोलता हूं आप गाड़ी में बैठो, हम बाहर घूम के आते हैं, और उसको सत्संग में मैं ले गया हूं। घर में बैठते तो 10 बात इधर उधर की करते, सत्संग में 1 घंटे में उसको भी फ्रेश कर दिया, मेरा भी काम हो गया, और वो खुश होके गए, अगले सैटरडे को वापस सत्संग में आ रहे। बोलो हम लोग क्या करते, किसको टाइम देना है और किसको नहीं देना है, ये सोच ही नहीं हमको, क्योंकि हमारा लेजर सार्प फोकस नहीं है। मैंने बोला ना, जैसा आपका इमोशन वैसा आपका डिवोशन, खत्म। तो आपको ये देखना है। फिर वो राजा के पास गए तो राजा ने दोनों की बात सुनी, तो फिर राजा ने निर्णय दिया कि जो मजदूर को मिली थैली है, तेरा तो 50 सिक्के थे ना, मजदूर को तो 25 वाली मिली है, ठीक है, तो वो तेरी हो ही नहीं सकती, वो किसी और की होगी, उसका कोई दावेदार नहीं है, तो मजदूर को क्या दिया जाए, इनाम दिया जाए, आधे सिक्के उसको दिया जाए, आधे सिक्के राजा के दरबार में स्टोर किया जाए। तो झूठ का साथ अगर आप देते हो तो लास्ट में ये आपको भोगतना पड़ता है, और एक सच का साथ दोगे ने किसी भी हाल में आपका आत्मविश्वास नीचे नहीं गिर सकता। एक और भी बात बताऊं, एक पते की बात। एक साधारण आदमी एक दिन राजा बन गया, और जैसे राजा बना ने तो उनको जिज्ञासा हुई कि आगे वाले जितने भी राजा बने हैं वो कैसे उसका जीवन जीते गए। तो उन्होंने मंत्री को बोला कि भाई तुम जो भी है, उन लोगों ने किस तरह से जीवन जिया है वो सब लेके आओ। तो उन्होंने इतनी सारी किताबें लेके आया थोड़े सालों के बाद कि आगे वाले राजा इस तरह से जीवन जीते गए हैं, अब ये आप ले लीजिए। तो राजा ने बोला थोड़ा इतनी सारी किताबें थोड़ी ना मैं पढ़ पाऊंगा, इससे अच्छा है तू थोड़ा और संक्षिप्त करके आओ। थोड़े सालों के बाद वो बहुत सारी करके आया था, उसमें से 10 करके आया, थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया। तो बोले यार
मैं इतना थोड़ी पढ़ पाऊंगा, तू और कॉन्टेक्ट कर क्या। तो थोड़े साल बीत गए, यानी राजा का जीवन का 70% टाइम बीत गया। अब 70% टाइम के बाद वो आते हैं तो बोले चार किताब लेके आया। बोले अब बोले तू और कॉम्पैक्ट करके आ, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं, ये मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तू और कॉम्पैक्ट करके आ। तो मंत्री है ना, एक लाइन लेके आया, खाली एक लाइन। और जब ये एक लाइन लेके आया ना, तो इतना समझना कि राजा मरने के लिए रेडी था, और उसके कान में इतनी बार वो लाइन बोली, वो सुन नहीं पाया, वो मर गया। सारे किताबों का सार एक लाइन में, वो मर गया। जानना चाहते हो वो एक लाइन क्या थी? कितने लोग जानना चाहते? Yes. चाहते हो? उत्साह है क्या कि मर रहे हो? कई लोग सो के ये ज्ञान सुन रहे, इसलिए उत्साहित होना चाहिए। तो बोले सभी राजा पैदा हुए, राज किया और मर गए। सभी राजा पैदा हुए, राज किया और मर गए, ये एक लाइन था। क्या है मोरल ऑफ स्टोरी? मरना सत्य है, यस नो, सत्य है, सत्य है, ठीक है। असत्य क्या है? जो हमें दिखता है, जो चीज बदलती नहीं है, अबदल है, वो सत्य है, अंदर अंदर बैठा है। ये शरीर सत्य नहीं है, शरीर के अंदर में चलाने वाली जो शक्ति है वो सत्य है, शरीर यहां रह जाएगा। हमें इस शरीर को सच मानना, इसी को अविद्या कहते हैं। जब हम अविद्या में फंसे रहते हैं तभी हम हमारा आत्मविश्वास खो देते हैं। किसी के पास महंगा मोबाइल, कार, घड़ी, बंगला, ये सब देखते हैं, वो तो सब सूक्ष्म चीज है, वो तो बदलने वाली चीज है। उसके ऊपर अगर हमारा विश्वास बैठ गया तो हम न बदलने वाले चीज पे विश्वास खो देते हैं। असत्य का अस्तित्व है ही नहीं, सत्य सदा ही विद्यमान है। आत्मा और परमात्मा ये सत्य है। तो हम सभी लोग इस दुनिया में आए हैं, जिएंगे और चल बसेंगे, ये हमारी लाइन भी सेम है। लेकिन क्या रहेगा अटल अतुट, जो नाशवंत है? आत्मा परमात्मा चीज नाशवंत है, सब चीज। तो जब इसलिए मैंने बोला कि आत्मविश्वास आपका डगता कब है? जब आप अंदर की यात्रा में चेतना भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान यहाँ पड़ा हुआ है, चित्त में अंदर पड़ा हुआ है। अगर उसके ऊपर आपने फोकस कर दिया, बात खत्म हो जाती। क्लियर हो गया? कपड़े में दाग पड़ा हुआ है तो क्या दिखता है? कपड़े में दाग पड़ा हुआ है तो व्हाइट कपड़े में क्या दिखता है? काला दाग ही दिखता है, दाग ही दिखेगा। आप समझ रहे हो? एक होटल में, आलीशान होटल है, खाली स्विमिंग पूल में एक टाइल्स नहीं लगाई है, पूरी होटल सब है, लोग शिकायत किसकी करेंगे? स्विमिंग पूल में टाइल्स नहीं, 32 दांत है, एक दांत नहीं है, जीवा कहां जाएगी? एक दांत की ओर, जो नहीं है। दो बेटे हैं एक माँ के, एक विदेश रहता है और एक पास रहता है, माँ का मन कहाँ रहेगा? जो विदेश रहता है। समझ रहे हो बात?
यानी मन इस वक्त हमारे पास नहीं है, उसी के पीछे भागता है। ये मन का स्वभाव है, इसको तुमको बदलना पड़ेगा। मन को जो है इसकी इज्जत करवा दो तो आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जिसने अपने मन को जीता, भगवद गीता के 6th अध्याय में 7th श्लोक में बोले हैं, जिसने अपने मन को जीता वो सर्दी गर्मी सुख दुख मान सम्मान एक सा देखता है, समत्वम योग उच्चते। और हम अपनी कमियों को और दुख के बारे में सोचते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। बाहर का वातावरण जैसे देखने की आदत बन गई है, वैसे हमको अंदर के वातावरण में कमियां निकालने की आदत बन गई है, और वो कमियां निकालते हैं, इसीलिए हमें आत्मविश्वास खो देते। एक आखिरी स्टोरी करके हम ये ज्ञान को यहीं पे समाप्त करेंगे और टेक अवे सेशन लेंगे। जाना मत, आप इस प्रोग्राम से आप क्या लेके जा रहे हो मैं भी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्पीकर हूं ना, तो मैं आउटपुट लेना चाहता हूँ आपको क्या फायदा हुआ। बिल गेट्स की कहानी है, सबने सुनी होगी, बहुत फेमस कहानी है। किसी ने पूछा कि आपसे भी कोई अमीर है क्या, तो बिल गेट्स ने पूछा, एक व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूं, वो मुझसे भी कई गुना अधिक अमीर है। फिर उन्होंने बताया कि जब वो कुछ भी नहीं थे, बिल गेट्स के पास कुछ नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे, एक न्यूज़पेपर बेचने वाले के पास गए और बिल गेट्स को बिना पैसे वो न्यूज़पेपर दिया, पेपर बेचने वाले ने दिया ऐसे ही कि भाई तू पढ़ कोई बात नहीं। उसके बाद दोबारा गए, उनके पास पैसे नहीं थे, तो अभी वो न्यूज़पेपर ने वाले ने बोला ये तू पढ़ रख न्यूज़पेपर। और उस बात को 15-20 साल हो गए। अब वहां से बिल गेट्स जा रहा है और न्यूज़पेपर वाले के बाद बेचने वाले से वो मिला, और बिल गेट्स तब मशहूर हो चुका था और उन्होंने पूछा क्या तुम मुझे जानते हो, न्यूज़पेपर वाले को। तो न्यूज़पेपर वाले ने बताया हाँ हाँ आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, आपको याद है आपने मेरी मदद 2 बार की थी, बिल ने पूछा तब मैं कुछ भी नहीं था। भैया आएंगे वापस तो सब लोग बने रहे, जस्ट थोड़ी देर में भैया आने वाले हैं। हम तब तक वेट करते हैं उनका। यस जस्ट भैया का थोड़ा सा नेटवर्क में शायद ऊपर नीचे हुआ है, बट जिस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डअप किए हैं हम सब, अभी क्लियर है। यस भैया, तो न्यूज़पेपर वाले ने बोला मुझे सब याद है। तो बिल गेट्स ने बोला मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, कुछ भी मांगो मैं देने के लिए रेडी हूं। तब न्यूज़पेपर वाले ने जो बोला है, बिल गेट्स की आंखों में आंसू आ गए। न्यूज़पेपर वाले ने बोला सर मैंने आपकी मदद की जब मैं खुद गरीब था, मैंने आपकी मदद की जब मैं खुद गरीब था, आज आप सबसे अमीर होकर मेरी मदद करोगे, क्या करोगे। मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैंने आपको दिया है,
और आपके पास अब है और आप करने जा रहे हो, क्या बड़ी बात है। और मैंने पास नहीं था फिर भी मैंने आपको दिया, वो कुछ पाने की लालसा से नहीं दिया था। जब भी हम दान देते हैं बिना किसी आशा से, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ये 17वें श्लोक में, 17वें अध्याय में 20वें श्लोक में भगवान ने बोला है, ये बहुत धरोहर है। तुम्हारे पास है और तुम काम करो, तुम्हारे पास समय है और तुम सेवा करो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पास समय नहीं है और सेवा करो, बड़ी बात है। तुम्हारे पास धन है और दान करो, बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है दान धन देने के लिए तो भी तुम किसी को दो पैसा दान करते हो, ये बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस लाना हो तो शुरुआत खुद से करनी ही पड़ेगी। जब तक तुम दान नहीं दो किसी से पास, दान क्या मांगने के जाओगे। जब तक तुम आर्ट ऑफ लिविंग जियोगे नहीं तब तक लोगों को कहां जीना सिखाओगे। बोल भी नहीं सकते तू कोर्स कर। आप जब भी कोर्स करके आते हो बोलते हो ना घर में, यार बहुत अच्छा कोर्स था तू कर ले, तो घर वाले क्या बोलते, पहले तू सुधर जा फिर हम करेंगे। यही बोलते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। उसको थोड़ी ना पता है कि हम 4 दिन में बदल के आ गए हमारी सृष्टि को। कितना पावरफुल चीज दिया है गुरुदेव ने, सुदर्शन क्रिया दिया है, एक 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 कोर्स में तुम्हें केंद्र में लाके छोड़ा है। और ऐसी ऐसी मुक्ति मिली है तुम्हें कोर्स से, और तुम उस मुक्ति का वर्णन नहीं कर पा रहे हो। क्या कर लोगे बताओ। ऐसे 500 सेशन अटेंड कर लिए लेकिन 2 लोगों को अगर कोर्स में नहीं जोड़ पाए क्या करोगे। रोज रात को नॉलेज टॉक सुन के 2 लोगों को रजिस्टर नहीं कर पा रहे पूरे दिन में, 24 घंटे में 2 लोगों को, क्या ये टॉक जीरो बस सब यहां से सुनी यहां गई, कोई काम की नहीं। इकट्ठा करोगे और खाली क्या करोगे, सप्लाई करोगे, एक्शन नहीं करोगे। हम लोग नॉलेज को क्या करते हैं, सुनते हैं किसके लिए, सप्लाई करने के लिए, अप्लाई के लिए नहीं। जब तक अप्लाई नहीं करोगे ना तब तक आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। ठीक है, तो एक लास्ट, ये सबके लिए बहुत जरूरी है, सबके लिए। हम लोग क्या करते हैं, एक 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 दिन कल कर लेंगे आज नहीं, कल करेंगे, ऐसा करते हैं ना। एक लड़की की शादी हुई, लड़की धार्मिक थी और पूजा पाठ करती थी, दान करती थी, परंतु उसके पति केवल पैसा कमाने में टाइम वेस्ट करते थे, लगे थे, टाइम वेस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन लगे थे। ये लड़की अपने पति को रोज पूजा पाठ करने के लिए कहती, पति उसे बोलता जल्दी क्या है, जैसे आप आर्ट ऑफ लिविंग का बोलते हो, जल्दी क्या है घर में, आप बोलते हैं ना अभी जल्दी क्या है, अभी तो उम्र नहीं है, बच्चों को बोले तो अभी ध्यान करने की उम्र नहीं। एक दिन पति बीमार पड़े, हकीम ने दवा दी, पत्नी ने वो दवा क्या कर दी, अपने पास रख ली, पति को दी ही नहीं। और जब पति ने दवा मांगी, पत्नी ने कहा जल्दी क्या है, अभी तो बहुत समय है। पति ने चिल्लाकर कहा तुम मेरी मृत्यु के बाद दवा दोगे, पत्नी ने जवाब दिया क्या आप मरने के बाद पूजा पाठ दान करोगे। पति समझ गया हमारी जिंदगी का कोई भी दिन आखिरी दिन हो सकता है, जो करना है वो आज करो अभी,
दो लोगों को एनरोल करना है तो रात को सोने से पहले करो, अब भी कल नहीं। हम चीजों को टालते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हम खुद की नजरों में गिर जाते हैं और हम आत्मविश्वास खो देते। एक बार में मेरा बता दूं, हमारा कोर्स था डीएसएन का कोर्स, और मैं जिस सिटी में था उसकी अगली सिटी में 80 किलोमीटर दूर कोर्स ले रहा था मॉर्निंग इवनिंग। तो गुरुवार को शाम को कोर्स होने वाला था और बुधवार को उस टीचर का फोन आया हमारे ऑर्गेनाइजर पे, अंजू करके टीचर है हमारी आर्ट एक्सेल की फेमस, और अंजू को ना बोल दिया कि आप, अंजू ने बोला 7 पेड रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ 7 या 11 पेड रजिस्ट्रेशन है। तो टीचर ने बोला मैं नहीं आऊंगी। तो मैंने उसको बोला, अंजू का सीधा मेरे पे फोन आया, भैया ऐसे ऐसे बोल रहे क्या करें, लीड इन लोगों ने ली थी, मैं तो कहीं बाहर था। मैंने बोला उनको बोल दो आप टिकट निकलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो चीज है, आपको 50 लोग चाहिए, हम कल शाम तक दे देंगे, चिंता मत करो। अगले दिन कितने थे, सिर्फ 11 लोग थे, हमें कितने करने थे, 50 करने थे, बाकी के जितने भी 50 - 11 39-38 करने थे। मैंने अंजू को काम में लगाया, उसको तो लगा दिया कि भाई तू टीटीसी मेंबर है, उसको सबसे दो 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 मांग, 22 लोग है, 44 लोग वहां से कर, तू अभी कॉल करना शुरू कर। और मैं वहां दूसरी एनर्जी में था, मैं सुबह कोर्स लेकर आया था, थका था, ब्रेकफास्ट करके मैं सोच रहा था मैं सो जाऊं और फिर नेक्स्ट कोर्स की तैयारी करूं। उसकी जगह पे मैं भी फोन में लगा बुधवार को, पूरा बुधवार, गुरुवार शाम तक, फिर मैंने छोड़ दिया वो सारा टाइम, मैंने वो कोर्स के लिए टाइम दे दिया, जो मैं कहीं और काम कर रहा था वो सारा छोड़ के, क्योंकि ये इमरजेंसी काम था, इमरजेंसी का, और किसी की लाइफ का सवाल है। डीएसएन माने बहुत प्राइम कोर्स होता है, योगा लेवल 2 बहुत प्राइम कोर्स होता है, एडवांस कोर्स बहुत प्राइम कोर्स होता है, ब्लेसिंग कोर्स बहुत प्राइम कोर्स होता है, क्योंकि किसी को 4 दिन निकालना, छुट्टी लेलवाना, ये बहुत ही बहुत बहुत भागा दौड़ी वाला काम है। और मैं बुधवार शाम को लेके, बुधवार सुबह से शाम तक और गुरुवार शाम तक मैंने पूरा जान लगा दिया, मैंने वहां बैठे बैठे। और हम लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं मैं तो आउट ऑफ स्टेशन, वॉलंटियर सीधा जवाब दे देते हैं। ये काम चोरी है, काम चोरी, काम चोरी। व्यक्ति वाला क्या आत्मविश्वास की बात कर सकता है, अपने गुरु जी को ऐसे बोल देते हैं, जो आपको सिखाने वाला गुरु जी है उसको बोल देते मैं तो आउट ऑफ स्टेशन। इज्जत है कि नहीं है गुरु जी की जीवन में, ज्ञान की? सामान्य धंधे वाले काम के, संसार के काम के सामने तुम किसी की लाइफ बदलने वाले काम को छोड़ते हो, बहाना टाल देते हो, टालना ही इसको कहते हैं। नहीं, प्राइम टाइम देना चाहिए। और गुरुवार को छोड़ के मैं चला गया, 6 बजे कोर्स मेरा शुरू हो गया, फोन तो साइलेंट, 9:30 बजे मैंने फोन किया उसको, कितने पार्टिसिपेंट हुए, बोले भैया 48 हो गए। समझ रहे हो बात? यस नो? यहां पे तो वॉलंटियर लिस्ट मांगता है, लिस्ट मांगना है, होता है कॉल करने के लिए लिस्ट मांगते हैं, लिस्ट तो जनरेट करना होता है। तुम कुछ मांगो भिखारी बनते हो, सेवा मांगी नहीं जाती है, सेवा छीन के ली जाती है, छीनना पड़ता है कि ये मौका वो ले ले उससे पहले मैं ले लूं, इसको सेवा कहते हैं। क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा है खुद के साथ की, दूसरे के साथ की नहीं। उन्होंने अगर 50 लोगों का कोर्स कर दिखाया तो मैं कैसे 60-70-100 का करवाऊं, ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए।
मेरे अंदर की जो ताकत है मुझे बाहर निकालनी है, मैं मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेनी है, मुझे ताकतवर ज्यादा बनना है। एक तो ये चाहत तो होनी चाहिए। डर का अपोजिट ही ताकत है। एक बार विश्वास आ गया हो गई, ठीक है। तो कुछ कुछ लोगों को मेरी बातें कड़वी भी लगी होगी, उसके लिए क्षमा, क्योंकि मैं रियल सत्य बोला हूं और आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचने वाले शब्द होंगे ये बात में, और आपको अच्छा भी नहीं लगा होगा, लेकिन तो भी आपने सुना, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। हाँ, क्या क्या टेक अवे है बताओ, अब क्या लेके जा रहे हो? यस, मैं बाकी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग हैं उनको मैं एक बार ऑप्शन दे दे रहा हूँ। अभी तक आपको म्यूट रखा हुआ था, अभी आप अनम्यूट करके आप एक बार टेक अवे बताइए। यस, हमेशा नेगेटिव बात ही सोचता है, सोचेगा नहीं। जय गुरु। तो आपने क्या करना है? नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव करना है। नहीं, करना है, पॉजिटिव करना है। हाँ, बस बस, दैट्स ऑल। विचार को खाली कर दो, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, जय गुरुदेव। आपने इस कॉन्फिडेंस लेवल में मैं बताती हूँ कि खाना बनाने का है, जैसे जो चीज अपने बनाने नहीं आता है, अभी धरना नहीं, बना देने का, जो भी होता देखा जाएगा, चाहे एक दिन मीठ ज्यादा हो जाएगा या कुछ कटा मीठ, कुछ भी दिक्कत हो जाएगा, बट करना है। तो कुछ नहीं होने वाला है, समझ लेना। एक साधक बनाता है ना, वो अच्छा ही बनाएगा। अब यस, भूल जाओ, और तारीफे दाद होगा, ये गारंटी है। यस, क्योंकि आपने अंदर अपनी आत्मा रेडी है। आत्मा रेडोगे वो काम सक्सेस ही होने वाला है। यस, और एक चीज आपने बताया, जैसे कि हम लोग भी, हमारे सेंटर में भी ऐसे होता है, वॉलंटियर को एक एक ग्रुप से 10-10 जन को हम लोग को ही लिस्ट बना के देना पड़ता है, इन लोगों को कॉल करो, पहला 10 तुम ले लो, नेक्स्ट 10 तुम ले लो। आपने जैसा बताया ना, कूद लेना पड़ता है, ऐसा कूद लेते नहीं है, हमको ही देना पड़ता है कि इनको कॉल करो, इनको कॉल करो, इनको कॉल करो, और उसके बाद भी क्या हुआ हमको ही पूछना पड़ता है कि क्या रेस्पॉन्स मिला। अब मुझे बताओ कि उनको इतना 5 लोगों को 10 लोगों को लिस्ट दिया तुमने, 10-10 लोगों को, इससे अच्छा है खुद कर लिया, बात खत्म होता थी। आप समझ रहे हो बात? यस। हम लोग क्या करते हैं, खुद करने नहीं पा रहे, इसीलिए किसको देते हैं। मैं बताऊ, अपना काम खुद को ही करना चाहिए। फिर वॉलेंटियर्स का मतलब ही नहीं समझ रहे, उसको क्यों हम ऐसा सेवा का मौका दे भाई। उसको अंदर से थोड़ी सी, जिसको भूख बहुत लगी है, उसको भूख अगर कुछ खाना मिले तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। उसको भूख ही नहीं लगी है, उसको सेवा क्या है पता ही नहीं है, उन्होंने फील ही नहीं किया है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं। मैं बताऊं, ऐसे व्यक्ति को वो काम दो, इससे अच्छा है उसको ये बोलो कि तू क्या चाहता है, बोल। वो जो चाहता है ने, वो अगर उसको दोगे ने, तो वो आपको सक्सेस करके देगा। वो मैसेज भी एडिट करके दे देते हैं, ऐसा नहीं कि उनको करना नहीं पड़ता है, सिर्फ उनको उसको एक 10 जन को फॉरवर्ड करना रहता है, उतना ही। वो भी एडिट करके उनको जो जो चाहिए हम रेडीमेड ही दे देते हैं, फिर भी कभी कभी रिजल्ट आता नहीं है। वही आप नहीं आएगा, नहीं, नहीं, नहीं आएगा। हमने क्या कर दिया, उसको आलसी बना दिया, तैयार माल देके। Okay. कभी किसी को तैयार माल दे के आलसी नहीं बनाना है, उसको तपाना पड़ता है। Okay. पता है हमारे टीचर कैसे थे बताओ, हमारे टीचर कैसे थे, मैं आपको बताऊं। मैं ऋषि नित्य प्रज्ञा जी की बात करता हूँ। Okay. ऋषि नित्य प्रज्ञा, मेहुल भाई को जानते हो सब लोग। जब ऋषि नित्य प्रज्ञा जी टीचर बने, मेहुल असिस्टेंट था,
थोड़ी देर के बाद असिस्टेंट था तो हॉल सफाई कर रहे थे। हॉल सफाई के बाद हॉल तैयार हो गया और तैयार हॉल दिखाने के लिए ऋषि जी को बुलाया। सब साफ सुथरा एकदम, गुरु जी का व्यासपीठ ये सब सब कंप्लीट कर दिया। ऋषि नित्य प्रज्ञा जी ने एक स्टूल मंगवाया। स्टूल मंगवाने के बाद वो लाइट होती है ना ट्यूबलाइट, उसके पास गए और ट्यूबलाइट के ऊपर ऐसे उंगली ऐसे लगाकर फिर बोले, कहाँ ये सफाई? हमने वॉलंटियर को तैयारी नहीं किया है, ऊपरी ऊपरी सफाई करवा दिया, बिल्कुल नहीं। अंदर एक एक चीज गुरु कहाँ होते है? देखो, गुरु ने खाली हमारी गंदगी निकाली, ऊपर से निकाली, ब्लड में से निकाली, हमारे माइंड के अंदर से गंदगी निकाली। तो हम वॉलंटियर के अंदर भी ऐसी बहुत पड़ी हुई है, वो निकालनी पड़ती है। टीचर का धर्म है ये सब चीज सिखाना पड़ता है, ट्रेनिंग। इसको खाली कहना पड़ता है ये क्या है, बस खाली इतना बताना पड़ता है, ज्यादा नहीं बोलने का, तूने ये नहीं किया वो नहीं किया, खाली एक मौन की भाषा से ही पता चलता है। वो बहुत ऐसा अपने अपनी तारीफ करता है ना, भैया बहुत अच्छा हॉल डेकोर किया है, ये किया है, वो किया है, वो किया है, ठीक है, अब देखो ये क्या है। उसके ईगो को पेम्पर मत करो। आध्यात्मा सही चीज में आध्यात्मा परोसने की चीज है। हम लोग तो क्या है, सुपरफिशियल आध्यात्मा देते, उनको अच्छा लगे इसीलिए हम बोले, उनको अच्छा लगे इस तरह की प्रोसेस हम करवाए। अरे भाई, उनको अच्छा लगे कि ना लगे, यूनिवर्सल सत्य जो है वही परोसना चाहिए। सत्य को सत्य की रीत से ही बोलो, आपके अंदर वही विश्वास है, वही तो विश्वास है। उनको अच्छा लगने के लिए, और अगर उनको दो शब्द बोले, अगर उनको तकलीफ हो जाएगी तो भाग जाएगा। अरे भाग जाएगा तो भाग जाए, हमें कहा उसकी पड़ी है, कोई भागने वाला नहीं है। माता बेटे को चाटता लगाती है तो भी माँ के पास ही पहुंचता है बेटा, प्रेम तो हमारा ही रहेगा ऊपर। तो ये चीज है कि कभी भी देखो, हमारे पास क्या है, देखो कोर्स नहीं किया होने तो भी उसको कोर्स कराने के लिए हमारे पास धर्म है, कोर्स कर लिया तो भी हमारे पास उसको एडवांस कोर्स कराने का धर्म है, एडवांस कर लिया डीएसएन कराने के लिए धर्म। हर बार हम हाइट में रहेंगे वो नीचे रहने वाला है, हम हर बार बोल सकते हैं, हर बार वो कुछ भी बोले उसके पहले ये कर लो ये कर लो ये कर लो, हम तैयार रहे बस, बात खत्म। तो हमारा हमारा फोकस क्या है, लेजर है बस। मैं तो रॉन्ग नंबर जाता है ना उसको भी आर्ट ऑफ लिविंग की बात करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो 2 सेकंड 5 सेकंड भी मैं क्यों वेस्ट करूं। वाई मैं यहां बैठा हूं गुरु का बन के, तो मैं वही चीज बताऊं ना जो मेरी भक्ति है, बस बात खत्म। हनुमान जी को जहां जहां पे भी आपने देखा होगा, वो कहीं से भी हृदय चीर के दिखे तो उसको राम दिखा दिखे, मेरे तो कण कण में आप देखोगे ना तो उसको कोर्स ही सिखाना है, यही दिखेगा। कहीं से भी चामड़ी उतारो वही दिखेगा। तो सुबह से शाम तक यही काम करना है। ऐसा नहीं है जो मैं बिजनेस नहीं करता हूं, मैं बिजनेस भी करता हूं, वो काम भी करता हूँ, परिवार का भी ख्याल रखता हूँ, जब जब जरूरत पड़ी तो वहां पे भी खड़ा उतरता हूँ और यहाँ पे भी। हर जहर पीते हैं, ठीक है, ओके, नेक्स्ट। चलो भैया, मैं एक बात बताना चाहूंगा जो आपसे मैंने सीखा और हर वक्त मैं आपसे सीखता हूँ। भैया ये मैंने सीखा है कि हमारी जो सबसे टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए कि इस जिंदगी में हम लोगों को इस मार्ग का एक्सपीरियंस करा ले, इससे ऊपर की कोई चीज मुझे लगती नहीं है। एक बार वो सुदर्शन क्रिया अनुभव कर ले, वो सबसे बड़ी बात है। किसी के जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आती है उससे। एंड भैया, मैं इस सेशन के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा एक बहुत जरूरी बात, कि हम कई बार ये सोचते हैं कि किसको बोले, कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें। मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि आपके फोन बुक में भी
करीब 2 से 3 हजार लोगों का कांटेक्ट होता है, फेसबुक में भी आपके बहुत सारे लोग होते हैं। और आप जो हम ये 25 तारीख को हमने ये इनिशिएटिव लिया उसमें जरूर भाग ले, अपना वीडियो बनाए, एक पावरफुल वीडियो बनाए, एक बहुत जबरदस्त, उसमें आप बोले और लोगों को इनवाइट करें कि आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे क्लिक कीजिए और ऐड हो जाइए। तो आपको एक बार में ही बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक्चुअल में कोर्स करना चाहते हैं, और उसको मैं भी अपने चैनल में प्रमोट करूंगा। और आपको वीडियो बनाने में अपना कोई भी दिक्कत आती है तो मेरा नंबर 24/7 अवेलेबल है, तो आप उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको लोगों को इनवाइट करना है इस पाथ पे आके, ये जो सुदर्शन क्रिया है, अद्भुत जो प्रक्रिया है, उसे सीखने के लिए उनको इनवाइट करना है। एंड यस भैया, आप कुछ और किसी को कुछ कहना है तो वो भी आप शेयर। हाँ भैया, मुझे बोलना है, आपने जो बोला ना, हमें डर लगता है वो हमें पहले करना चाहिए। अब मुझे टॉक देने में डर लगता है, और हम कोई भी चीज कल पर लेते हैं, तो मैं पिछली बार मैं वाइल्ड टीपी टीचर ने मुझे बोला था कि टॉक देने के लिए, मैंने ऐसे ही किया, वो कोर्स हो गया, फिर भी मैंने नहीं किया। अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, अब कल से ही मैं टॉक देना शुरू करूँगी और मेरे टीचर के लिए काम करूँगी। Yes. बाकी लोग अपना शेयर कीजिए प्लीज, तब तक संजय जी आपने अनम्यूट कर लिया गलती से। हाँ, बाकी लोग अनम्यूट करके शेयर कीजिए अगर कुछ करना है तो, और जो YouTube में देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपने टेक अवे। अभिषेक, सीता, हाँ हाँ, वो उसके बारे में भी बताएंगे। एक सेकेंड, शैलेश भाई अब तक नहीं आ रहे, तब तक मैं बता देता हूँ। मंजुला दीदी भी बता रही है, मुझे रिमाइंड करा दिया, थैंक यू सो मच। भानु दीदी ने एक किताब लिखा है सीता, और ये बहुत ही एक अद्भुत उनके जीवन के ऊपर एक व्याख्या है, और बहुत एक अलग एस्पेक्ट उसमें बताया है। आप उसको ऑर्डर करके जरूर पढ़िए उसके बारे में, और बाकी डिटेल्स आपको जूम ग्रुप में मिल जाएंगे। ये सब शैलेश भैया का हम लोग वेट कर रहे हैं। मैंने ग्रुप में भेजा है। यस, एक बार दोबारा भेज दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करना है और बुक भी मिलेगी। यस, शैलेश भैया का वेट कर रहे हैं हम लोग आने के लिए। ओके ओके, शायद उनका इंटरनेट थोड़ा सा लो हो गया, तो एक बार मैं उनसे एक बार कॉल करके आता हूँ। तब तक आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो लोग भी है यहाँ पे, अनम्यूट करके, तब तक मैं 1 मिनट में कॉल करके आता हूँ। ये तो हमेशा ऐसे ही होता है, हर वॉलंटियर का ये प्रॉब्लम होता ही है कि कैसे कैसे कन्विंस करने का, है ना, जो बातें जो होना है तो कॉन्फिडेंस लेवल कैसा बढ़ाना है वो बोल रहा है, दूसरों को अनेस करने खुद करो करके वो सब चीजें भाई एक्सपीरियंस ही आ जाएगा। अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहेगा तो शेयर कर सकते हैं। दीदी आपने वो बोला ना कि वॉलंटियर को आप लिस्ट देते हो, वैसे भी मुझे भी मेरे टीचर्स लिस्ट देते हैं कॉल करने के लिए। मुझे पता नहीं था क्योंकि उन्होंने मुझे अभी तक बताया नहीं कि ऐसा नहीं करते, आप खुद कर लो, खुद मंगाओ। अब मैं ऐसा नहीं करूंगी दीदी, आपने बोला ना उससे मैंने ये सीख लिया। ओके, तो संदेश भैया आ रहे हैं अभी,
और उससे पहले जब तक वो आए तब तक मैं सबको बताना चाहूंगा कि आज जो हम सेशन में सीखे हैं, हम सब के अंदर जोश जागा है, एक नई उम्मीद जागी है, हम लोग सब कुछ करने के लिए एक्साइटेड हुए हैं, तो जिसको बरकरार रखिएगा। एंड ये जो हमारा जो प्रोसेस है, हम जो सेशन देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, आप लोग का कमेंट आता है, मुझे पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, एक एक जीवन में जो बदलाव आते हैं। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा जो लोग देख रहे हैं ये सेशन को, और शैलेश और वो टॉप एक जन ने देखा, वो एक स्टेट बैंक के बहुत हायर पोस्ट पे थे, और वो टॉक सुनने के बाद संतोष देवताले जी का, वो अभी भी सुन रहे होंगे तो उनका अच्छा लगे, मीन्स उन्होंने मुझे ये शेयर किया तो मैं सोचा आपके साथ भी साझा करें, क्योंकि हम लोग सब एक ही परिवार के हिस्से हैं। तो उन्होंने ये बताया कि वो टॉक सुन के इतना इंस्पायर हो गए कि उन्होंने 40 लोगों का अपने बैंक के अंदर कोर्स ऑर्गेनाइज किया, और जो कुछ दिन बाद वो लेने वाले हैं। तो जो हम देखते हैं कि ये जो ज्ञान जो हम ये डेली सेशंस कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट लोगों में इतना ज्यादा हुआ कि वो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक कोर्स ऑर्गेनाइज किया, और आगे चल के भी काफी सारी चीजों का उन्होंने करने का एक प्रस्ताव रखा। तो ये बहुत मुझे भी टच किया ये इंसिडेंट, कि हम जब बोलते हैं लोगों को तो कितना इसका एक असर होता है। ये शैलेश भैया आ गए, शैलेश भैया आपका वेट कर रहे थे। यस, एक आखिरी मैसेज जो भैया आप सबको देना चाहोगे? नहीं, खुश रहो, बस एक ही चीज। यस एंड थैंक यू। लेकिन साधना करके नहीं, सेवा करके। शैलेश भैया, इतना जबरदस्त आपका सेशन रहता है, एंड हम सब इस भैया ये सेशन के माध्यम से मैं यही संकल्प लेता हूँ कि कम से कम इस महीने के अंत तक 1,000 लोगों तक और पहुंचेंगे और उनको इस पाथ में जोड़ेंगे। मेरा यही एक प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। एंड एक चीज में बताओ, किसी को है ना साधना के डेप्थ में जाना हो, साधना के और डेप्थ में जाना हो, जो आप कर रहे हो वही साधना को एक नए नए अंदाज में डेप्थ में आपको पाना चाहते हो। जैसे हम फर्स्ट टाइम सुदर्शन क्रिया करते तो कैसा अनुभव होता है, आह्लादक, इस तरह से वापस एक दोबारा ऐसा चांस लेना चाहते हो तो मेरे साथ जरूर एक बार लेवल 2 ऑनलाइन कर लेना। अगला मेरा लेवल 2, 1, 2, 3 है, ये अभिषेक शेयर कर देगा। 1, 2, 3 अक्टूबर है, छुट्टी है, एक दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कोर्स मार्वलस बनाया हुआ है गुरुदेव ने कि ऐसे ऐसे करोगे ना, विचार आ तो भी नहीं आएंगे 3 दिन, विचार लाने के लिए एक ठोकना पड़ेगा तो भी विचार नहीं आएंगे। वो लेवल तक मन को सूक्ष्म कर देंगे, वो लेवल तक मन को, यानी आप सोच सकते हो कि वो कोर्स में कितनी ताकत हो। एडवांस कोर्स में हमें मौन रखना पड़ता है, इसमें तो मौन अपने आप हो जाओ। बहुत लोगों ने इसमें मेरे साथ किया हुआ है, हेमलता है, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, तो आप जरूर रिपीट करो। 3 महीना 4 महीना हो गया, रिपीट करो, और अभी ये श्राद्ध का टाइम है और ये करना ही चाहिए सबको, नवरात्रि से पहले पहले बॉडी तैयार करनी पड़ेगी, आने वाले चुनौती के सामने भी बॉडी तैयार हो जाएगी। अभी मैं वासद आश्रम में योगा लेवल 2 ही ले रहा हूँ, 40 लोग हैं, ऑफलाइन ले रहा हूँ, तो अगला कोर्स ऑनलाइन है तो आप कर लीजिए, ठीक है? यस भैया, एक जन रेडी हो गए हैं करने के लिए, वो लिंक मांग रहे हैं, तो प्लीज भैया आप नंबर शेयर कर दीजिए ताकि वो अभी कॉल करके वो लिंक तेरे पास है ना भैया? हाँ, तूने तो बैनर बनाया। हाँ, मैं अभी जस्ट आपका ही व्हाट्सएप चेक कर रहा था, लेकिन जो अभी लिंक मांग रहे हैं, मैं अभी अपना नंबर दे दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप मुझे तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको लिंक तुरंत दे दूंगा। ये मैंने नंबर लिख दिया, 9819746524। अभी भेज दे। हाँ, हेमलता जी आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी पूछ सकते हैं।
जल्दी रेडी को लेवल टू करने के कहती हूँ। रेडी हो आप लेवल टू करने के लिए? मैंने किया है, मैं और लोगों को बोलती हूँ करो, बैठे हैं झूम पे यूट्यूब पे। यस यस यस, लोगों को मैं बताती हूँ बहुत अच्छा कोर्स है, करो आप सब। Wonderful, yes. ये जो लोग YouTube में देख रहे हैं वहां पे भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। शैलेश भैया का 1-2-3 तारीख को शुरू हो रहा है तो वहां से आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं, और नीचे मेरा नंबर दिया ही है और आपको बाकी डिटेल्स आपको ग्रुप में भी मिल जाएंगे और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने सेपरेट लिंक भेज दिया आपको, अभी भेजा है भैया? हाँ जी भेज दिया सेपरेट लिंक। ये लिंक मैं अभी डाल दिया हूँ चैट बॉक्स में, और जिसने अभी मैसेज किया है मुझे लिंक भेजिए, आप तुरंत इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने और आप सब लोग करो, एंजॉय करो, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। एक बार आप करिए मेरे साथ लेवल टू करिए, बॉडी पूरा खुल जाएगा, आह्लादक हो जाएगा। Yes. पता नहीं पुराने कितने कचरा और रोग होंगे बॉडी में से, कितना बरसों पुराना दर्द होगा वो निकल जाएगा। 2 घंटे के हीलिंग मेडिटेशन है सोते सोते, बहुत अच्छा। 3 दिन में हम 20 मेडिटेशन कराते हैं, मॉर्निंग इवनिंग योगा कराते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई करते हैं और मन को इसी तरह का ज्ञान देते हैं ताकि फिल्टर लग जाए। Yes. एक ही कोर्स ऐसा है कि जिसमें हम वो सिखाते हैं कि मन में विचार कहाँ से आते हैं और उस कौन से विचार आपको नीचे गिराएंगे, कौन से आपको ऊपर ले जाएंगे और कब विचारों को रोकना है। Yes. हर चीज पे और कहाँ से आते हैं ये विचार, ये एक ही कोर्स ऐसा है कि उसके ऊपर हम काम करते हैं, बस मन के ऊपर खाली, ठीक है? चलो ओके, जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच भैया, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। जो जो भी ये सेशन देखे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, एंड ऐसे ही मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे रोज रात को 9:10 पे। जय गुरु। और सभी रजिस्टर करें सीता के लिए। यस यस, उसका भी ग्रुप में एक बार लिंक।